बिहार में चुनावी माहौल है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जनता को अपने के लिए एक अच्छा और सच्चा जनप्रतिनिधि ढूंढना है, जो कि हर समस्या में वो जनप्रतिनिधि वहां की जनता के साथ खड़े रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। और आज के इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नदवा पंचायत के मुखिया शंकर शर्मा। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपने पंचायत में क्या कुछ करा है। शंकर जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज़ में स्वागत है। जी नमस्कार, आपका बिहार न्यूज़ को भी मैं नमस्कार करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे आपके न्यूज़ चैनल पाने का मौका मिला है, धन्यवाद, नमस्कार जी। 2006 से लेकर 2011 तक आप सरपंच के पद पर रह चुके हैं। जी बिल्कुल। तो उस समय आपने न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं? ये सरपंच का जो काम होता है, चूँकि इसके पहले हमारे जब मैं चयनित हुआ था 2006 से 11 तक का जो हमें सरपंच का जो काम किया था, उसके पहले सरपंच का मुझे याद नहीं है कि चुनाव कब हुआ था। वो पहली दफ़ा हमारे बिहार में चुनाव आया था, जिसमें अभी सही ढंग से सुचारू ढंग से चालू नहीं हुआ था। उस टाइम में हमारे ग्राम पंचायत ऑल बिहार में, ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि ये न्याय मित्र और एक सचिव का उसमें अपॉइंट करना था, जो कि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही हुआ है जी। और जो कि सफल न्याय और उचित न्याय देने के लिए हम लोग को अच्छा मौका मिला था, जो कि हमारे ग्राम पंचायत के जो भी मतदातागण हैं, जनता लोग हैं, मैं उन्हें भी नमस्कार करता हूं कि चूंकि हमें उन्होंने इस तरह का मौका दिया। रही बात अब काम करने का, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्राम पंचायत में जो वारदातें छोटे बड़े हुआ करती थी, उसमें खास करके दोनों पक्ष को लेकर के जो हम लोग का पंचायती करना है, मेल मिलाप करना है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारा जो इसमें जो दीवानी मुकदमा हुआ करता है, दीवानी मुकदमा का हम लोग को 10 रुपये का रसीद काटना होता है, और एक फौजदारी होता है, हमारे यहाँ दो मुकदमा ये होता है, जिसमें फौजदारी मुकदमा में 100 रुपये का रसीद काटना होता है। और हम लोग खास ये भी हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था भी कि 1000 फाइन भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक का ही बाद हम लोग निपटारा कर सकते हैं जी। तो उस दरमियान बहुत सारे चुनौती हमारे सामने आया, बहुत सारे लोग हमारे पास केस लेकर के आते थे, रात के 10 बजे 11 बजे 1 बजे तक लोग आते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, सोना भी दुर्लभ होता है। मतलब ये भी नहीं कह सकते हम कि भाई अब प्रतिनिधित्व करना है, उनका काम करना है, तो अब जब भी जनता का तो कोई ये नहीं है कि आपका कोई टाइम टेबल तो है नहीं जी। जब उनका घटना घटित हुआ होता है तभी वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। और मैं उस रात में करीब 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी रात में मैं उसके पास गया हूँ, जबकि किसी महिला को किसी के पति ने, मैंने उसी के पति ने घर से निकाल दिया, या किसी का घर में आपसी कलह द्वेष है उसमें भी जाना पड़ता है। अब उस समय भी ये भी लगता है कि मेरे पास प्रशासनिक प्रक्रिया तो, हमारे पास तो पुलिस प्रशासन तो है नहीं, अब मुझे किस तरह से और कैसे वहाँ हैंडल करना है कि दोनों पक्ष हमारा सही से और हमारा न्याय जो है उचित न्याय समझ के शांत हो जाए। ये हम लोग जो है कैसे कैसे जो भी जनता के बीच में जा कर के काम हम अपना निपटाए हैं, और ख़ास करके जितने भी जनता हमारे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो हमने 2006 से 11 तक जो पंचायत जो हमने किया, उन दोनों पक्षों के बीच जो भी हो, दो पक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष, तो जो हमने पंचायती किया उसे उन लोगों ने सही ढंग से सुचारू ढंग से माना, और मान करके हमारे फैसला को उन्होंने समझा बुझा। और थाना जाने की जब बात होती है तो थाना में उस समय कम जाने का कोशिश करता था कि हमारे ग्राम पंचायत से थाना जाना कम हो, क्योंकि जब अगर थाना ही चल गया तो हमारा पंचायती काम क्या किया जी। क्यों? इसलिए हमारे टाइम में उस टाइम बहुत ज़्यादा ही लोग मेरा खास करके लाभ उठाए हैं, और मैं 11 तक सरपंच रहा। और मैं जो आपको बतला रहा हूँ, हमारे खास करके हमारे
ग्राम पंचायत के लोग भी सुनेंगे, देखेंगे क्या सही है नहीं है, सब वो हमारा फैसला पंचायत के लोग ही करते हैं और वही हमारे मालिक हैं, वही सब कुछ हमारे हैं जी। 2016 में आपने मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा और आप जीते भी जी। तो सरपंच से लेकर मुखिया तक का सफर कितना कठिन रहा? देखिए, सरपंच में बात होती है बात और विवाद का सुलझाना, उसमें एक पक्ष और दो पक्ष, जो दोनों पक्ष है दोनों पक्ष को मिला करके समझा बुझा के मामला को शांत कराना। उसमें कोई फंड था नहीं, उसमें विकास नाम का कोई चीज़ हमारे पास नहीं हुआ करता था और अभी भी शायद नहीं होता है, जैसा कि मैं उस टाइम से और इस टाइम भी देख रहा हूँ, तो 6 से अभी तक सब देख रहा हूँ मैं भी कि अभी तक उस तरह का कुछ नहीं है विकास के मामले में। विकास सरपंच जी को नहीं करना होता है, अभी भी वही हाल है। लेकिन अब जो मैं 16 से 21 तक का जो अभी जो सफ़र तय कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी बदलाव है जी। इसमें खास करके मैं बताऊं आपको कि अगर मुखिया जी सरपंच जी जो ने किया तो किया, मुखिया जी अगर किसी का काम नली गली का है या किसी का आवासीय बनाने का है, किसी का ग्राम पंचायत में जो ये चुनौतियां होती हैं, हम आपको ऊपर का बात भी एक लाइन एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जैसे आप जो हमारे ऊपर में होता है ना लोकसभा विधानसभा और ग्राम सभा, तीन होता है, तो लोकसभा का चुनाव जो होता है पार्टीगत और जातिगत भी लोग करते हैं, वो उसमें आते हैं और वो अपना चुनाव जीत जाते हैं। उसी तरह विधानसभा में मैं जैसा कि समझता हूँ कि विधानसभा में भी इस तरह से ही होता है, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं होता है। मेरे ग्राम पंचायत में आप अगर उसको किसी तरह का कभी भी कष्ट दिए हों, अगर कभी उसको गाली दिए हों, अगर कभी उसे आपने झगड़ा किया हो, तो वो 10-20 जब तक वो रहेंगे तब तक याद करते हैं कि भाई आपने हमारे साथ आपने ऐसा किया था, तो याद रखते हैं इलेक्शन के टाइम तक। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जनता का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2006 से 2011 तक और फिर 16 से 21 तक का उन्होंने मौका दिया। लेकिन अभी तक जितने भी लोग हैं हमारे पास, जितने भी लोग आए हैं, या तो पंचायत के लिए आते हैं क्योंकि मैं सरपंच पहले था वो भी के लिए आते हैं, और या फिर अभी योजनाओं को लेकर के भी आते हैं, तो हमें उनका काम जो है सुचारू ढंग से सोच समझ करना होता है, इसलिए कि ना कि जो हमने 2006 से 2011 तक हमें निभाया है, अगर 2016 से 2021 तक नहीं निभाया तो फिर हमारी भी बदनामी होती है जी, आगे आने वाले समय में भी जो है हमें चुनाव लड़ना होता है, इसलिए हमें कठिनाई तो होती है जी। शंकर जी, हमारे जो CM है नीतीश कुमार, उन्होंने कुछ अधिकार को मुखिया से लेकर वार्ड को दे दिया है जी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब उसमें विशेष अब क्या बोलना है, लेकिन ये हम तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को तो यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि पहले भी मैं बताया हूँ, लोकसभा विधानसभा और ग्राम सभा, ठीक है उनका सोच अच्छा है, पहल अच्छी है, चूँकि एक उनका सोच ये रहा कि सबसे पीछे का दरवाज़ा, सबसे पीछे का आदमी, उसको उन्होंने विकास तक पहुँचाने का काम, उन तक पैसा पहुँचाने का काम, उनके योजना पहुँचाने का काम उन्होंने बहुत अच्छा सोच किया है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कुछ बदलाव करने का आवश्यकता होता है, क्योंकि आप यह देख सकते हैं कि मैं उनका फैसला का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि जो मुखिया जी होते हैं, मुखिया जी का गवर्नमेंट के तरफ से ये जो पंचायत सचिव जो होता है, ग्राम सेवक जिसको बोलते हैं, उनको दिया जाता है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्री वर्क वो करेंगे, लेकिन जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, जो वार्ड सदस्य हमारे चयनित हमारे भाई हैं, हमारे भाई तो भाई वो भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि उनको नहीं देना, देना चाहिए, उनको भी काम देना चाहिए, बट लेकिन उन्हें भी जैसे ग्राम पंचायत को मुखिया को जिस तरह से सरकारी कर्मी के द्वारा उनका कार्य को सुचारू ढंग से करवाया जा रहा, उसी तरह वार्ड सचिव को भी एक सरकारी कर्मी के साथ जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ग्राम पंचायत से लेकर के 83-84 जो हमारा ग्राम पंचायत है, सभी को जो इन्होंने
आगे सात निश्चय का जो वर्ग दिया है, तो वो वर्ग जो है उसमें खास करके ये करना चाहिए था कि ग्राम पंचायत के द्वारा भी अगर होता है उसको बांध देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बहुत तरह का कमेटी गठन होता है, विकास का कमेटी अलग होता है, आपको स्कूल का कमेटी अलग होता है, जन वितरण प्रणाली का कमेटी अलग होता है, शिक्षा का अलग होता है, सबका अलग होता है। तो हम समझते हैं कि इसमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत भी वो करते जैसे पहले होते आ रहा था। इस तरह जो हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि ग्राम पंचायतें जो हैं कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जा रहा है। जी, जी, जी। इससे है कि विकास कम और ईर्ष्या ज़्यादा होता है। जैसे मुखिया जी को प्रशासनिक स्वीकृति देने की अनुमति प्रदान की गई है, तो आप 15 लाख या 20 लाख तक का अनुमति प्रदान किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुखिया जी अनुमति देते हैं और देने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पे आप तो समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक तरह से जैसे आपका हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं है, उसी तरह हमारे मुखिया जी में भी एक का दुका। लेकिन उसमें भी मैं उतना भी नहीं कहना चाहूँगा विशेष, चूँकि शंकर जी वैसे भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है कभी भी। आपने थोड़ी देर पहले बात करी मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की, जी, जी, तो ये जो योजना है आपके पंचायत में कितनी सफल है या फिर कागजों में ही सिमट कर रह गई है? नहीं, देखिए ये काम तो मैं उनको धन्यवाद तो दूंगा ही इसके लिए कि जो उन्होंने, मैंने पहले भी बताया है कि उनका जो कार्य प्रणाली अच्छा ही रहा है। चूँकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो सात निश्चय है, पानी, हर घर नल का जल, हर घर का मतलब हर घर को देख रहे हैं, हर घर को देख रहे हैं, तो हर घर में हमारे पंचायत में ही आप देख सकते हैं, देख जाकर पता कर सकते हैं, हमारे पदाधिकारी महोदय भी जा सकते हैं। कुछ 10% जो अभी कार्य MB हो या उसका मैनेजमेंट बुक या जो भी छोटा मोटा जो लाई ढलाई टूटता है उसको जोड़ना होता है, बस यही हमारे यहाँ रह गया। बोल हमारे यहाँ 90% वर्क जो है बहुत बढ़िया अच्छे सुचारू रूप से निकल रहा है जी। और मेरे ही नहीं, मेरे धनरुआ में भी और मसौढ़ी और मंडल तक मैं समझता हूँ कि अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। और हमारे SDO साहब हों, BDO साहब हों, धनरुआ के BDO साहब जितने भी हमारे लोग हैं या जो हमारे कर्मी पदाधिकारी जितने भी हैं, खास करके वो लोग हम लोग को सपोर्ट बहुत किए हैं और सपोर्ट करने से हम लोग को बल मिलता है जी। और जब पदाधिकारी सपोर्ट ना करे तो बल नहीं कर सकते जी। जैसे आप ये हाथ है, आप एक अंगुरी भी आप मोड़ लेंगे तो इससे आप कोई काम नहीं कर सकते, ये मोड़ लेंगे तो इससे कोई काम नहीं कर सकते। उसी तरह हमारे पदाधिकारी महोदय भी हमारे हाथ का उंगली ही हैं, जैसे हम लोग को बताएंगे, जैसे कहेंगे, जैसे करेंगे, हम लोग का काम आगे बढ़ता है और बढ़िया से सुचारू ढंग से हो रहा है, हमारे यहाँ सात निश्चय फलीभूत है जी। नल जल योजना में कई जगहों से ऐसी लोगों की शिकायत मिल रही है कि इसमें लूट खसोट मचा हुआ है, क्योंकि कई जगहों से गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें लूट खसोट का जहां मामला होता है, तो हम समझते हैं कि पहले तो आपको ये, मैं इस बात का भी जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। सबसे पहले मैं ये भी बता रहा हूँ, एकाध दुक्का जो उस तरह से मुखिया जी होते हैं कि उनसे भी एकाध दुक्का होता है बदनामी, जो ये भी होता है जो कोटा रिजर्वेशन का होता है उसमें, तो वो क्या होते हैं, हमारे मुखिया जी लाचार हो जाते हैं, उन्हें समझना लिखना पढ़ना ज्ञान एक्का दुक्का नहीं होता है, उनका लोग नाजायज फ़ायदा उनका लोग उठा लेते हैं जी। ये नहीं कहना चाहूँ कि हमारे मुखिया जी गलत हैं, इसलिए कि जो उनका कार्य प्रणाली करने का तजुर्बा जो उनको है उनके पास नहीं है, शिक्षित नहीं है, और जो उनके साथ जो व्यक्ति जो उनको जिताए हैं या उनको हेल्प किए हैं वो उनके साथ में ज़्यादा ये सब कुछ कर जाते हैं जिससे कि वो बदनामी हो जाती है। और आगे खास करके जितने भी अगर आप देखना चाहेंगे तो जो भी और मुखिया जी लोग हैं जो शिक्षित वर्ग हैं, शिक्षित हैं या अशिक्षित या जो भी है, जो समझदार है, उनका काम कहीं भी बदनामी उनका नहीं हो रहा है जी। जी, आवास योजना हो या फिर शौचालय निर्माण की योजना हो, इसमें भी काफी समय से लोगों का आरोप लगता रहा है कि इसमें भी लूट खसोट मचता है, और खास करके अगर हम आवास योजना की बात करें तो ऐसा कई बार होता है लोग आरोप लगाते हैं कि अगर हम बिचौलिए को पैसा नहीं देते हैं तो उनके अकाउंट में वो पैसा आता ही नहीं है आवास योजना का, तो यहाँ पर आप किसे गलत ठहराएंगे? जी इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हवा तो जो होता है कहीं ना कहीं हवा तो चलता ही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है
ये कहीं नहीं अब मिलता है देखने को कि जो सही आदमी होता है, जो सही व्यक्ति होते हैं, जिनका सही चयनित होता है, जो सही व्यक्ति होता है या जो गलत व्यक्ति, जो आदमी, जैसे इलेक्शन का टाइम है अभी आ रहा है, आप कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपके पास तो नहीं आता होगा, कभी कभी आता होगा मामला, तो ये कुछ बिचौलिया, जैसे अब हम मुखिया हैं जी, हम मुखिया हैं, हमारे जो सेकेंड रनर होते हैं या जो बनने की चाह रखते हैं या जो आपके और प्रतिनिधि होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ये होता है कि किसी को अगर मेरा शिकायत नहीं करेंगे, उनका शिकायत नहीं करेंगे, तो वो अगला आरक्षण, अगला इलेक्शन में कैसे वो हमें मान देंगे। इसलिए हमें गलत ठहरा के, गलत करके, अगर मान लिया कि कोई आदमी कहते हैं कि हाँ 10,000-20,000 का डिमांड होता है, अभी तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आपका प्रिंट मीडिया हो या जो भी हो, सब सक्रिय सब है, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ है, रिकॉर्डिंग करके। हमारा कहना है कि क्यों नहीं डालते हैं, साक्ष्य देना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वैसे लोग इस तरह का अगर बात बोलते हैं कि नहीं इस तरह का बात है, तो आप उसे पकड़वाएं। निगरानी वाले हैं पटना में बहुत सारे हैं, हमारे दूर दराज से भी लोग, हमारे बिहार के कई एक जगह से भी लोग निगरानी वाले लेकिन कई बार पकड़े भी तो जाते हैं ना लोग जी। तो मैं इक्का दुक्का पहले ही बोल चुका हूँ ना, इक्का दुक्का ही सारे लोग इस तरह के लोग नहीं होते हैं, क्योंकि उसको मैं चुनाव से जोड़ के चलता हूँ कि चुनाव जब आता है, जैसे आज ही ले लिया जाए, अब हमारा जो है मार्च या फरवरी में नोटिफिकेशन होता है मुखिया जी का, जो हमारा 2021 में चुनाव है। अभी कोई भी जो हमारे विपक्ष होंगे, पक्ष पक्ष हैं, विपक्ष होंगे, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि इनका बदनामी, क्योंकि 4.5 साल पहले कोई बदनामी नहीं हुई है, अभी जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये बदनामी चरम सीमा पर होती है कि मुखिया जी ऐसे कर लिए, वैसे कर लिए, ये कर लिए। मेरा ही नहीं है, ऑल हमारे पंचायत बिहार के जो भी हैं उनके साथ में, आप तो ये जानते हैं रनर विनर तो होता ही है, अगला जो जीत गया वो विनर हो गया, उसके बाद रनर हो गया, तो रनर वाले जो लोग होते हैं वो लगे होते हैं। जब इलेक्शन हार जाते हैं तो 6 महीना साल भर तक आप देखते होंगे कि अदावत का खेल चलता है, वो उधर गोली चल गया, उधर ये हो गया, उधर हो गया, लेकिन साल भर के बाद जब देखते हैं कि चलो धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं और उसके बाद अपना काम काज में लग जाते हैं। फिर उसी तरह आप देखिए कि जब 1 साल 6 महीना जब बचता है तो वैसी घटना वारदात या कहानी आना शुरू हो जाता है जी। आपके पंचायत में अब तक आपने क्या कुछ किया है? मेरे ग्राम पंचायत में सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत, जो भी हमारे जो मतदाता है, नमस्कार करता हूँ सबसे पहले, चूंकि करने का मौका उन्होंने हमको दिया। सबसे पहले हमने अपने ग्राम पंचायत में जो महादलित टोला है, जब हमने 16 में जब आया था चयनित होकर के, तो कुछ हमारे पास जो पैसा था, सबसे पहले हमने महादलित टोला का कल्याण करने का काम किया है। सबसे पहले बिजली, पानी और सड़क। पानी तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी पूरा कर ही दिए जी, शुक्र है भगवान का, उन्होंने हमारा पंचायत में अच्छा बढ़िया। दूसरा कि हमारे ग्राम पंचायत में जितना भी नली गली जो है, हम समझते हैं कि 20% छोड़ के सब हमारे यहाँ सही है। और रह गया बात, अभी तत्कालीन में ये ऊपर से ही शायद कोई दबाव है, मुझे नहीं मालूम है, कि जब तक ले आप नली गली ऑल अनुमंडल या प्रखंड या पंचायत में नहीं करेंगे, तब तक आपका नली गली का कार्य नहीं चलेगा आपका जी। तो हम लोग का अभी कार्य तत्काल में अभी बंद है नली गली का, आज जिस दिन अगर कंप्लीट हो गया तो हम लोग का ऊपर से भी आ रहा है कि आपको काम शुरू करना है, लेकिन हमारे पास समय अब नहीं है। कार्य हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ जो भी कार्य भी चल रहा है, सबसे पहले हमारा ग्राम पंचायत ODF हुआ है आपका मसौड़ी अनुमंडल में, सबसे पहले हमारा नदवा ग्राम पंचायत ODF हुआ है। जिस समय हमारे पंकज कुमार निगम जी BDO साहब हुआ करते थे, उस समय 7 वार्ड को ODF उन्होंने किया था। और मैं ये दावा भी करता हूँ, यदा कदा घर को मैं नहीं कह करके, चूँकि बहुत समस्याएं हमारे यहाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़मीन रहने का नहीं है, तो शौचालय कैसे बनाएंगे जी। वो 100 में 5% उसमें भी कम हो सकते हैं, लेकिन 90% वैसे घर भी हैं
जो शौचालय उनके घर में बना हुआ है। लेकिन हम लोग और हमारे वीडियो साहब जो पहले रामजी पासवान जी हुआ करते थे, अभी तो हमारे अजय कुमार जी वीडियो हैं, तो उनके आने समय में हमारे ग्राम पंचायत ने धूम मचा दिया शौचालय को लेकर के। हर घर को, हर व्यक्ति को जो जिसने भरा, 12,000 की अनुदान राशि भी प्राप्त हुई है। लेकिन अफसोस, 2-4 व्यक्ति से गांव भी बदनाम होता है जी। उन्हें बाहर खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं बोलता हूँ, शौच नहीं, सोच बदलने की बात होती है। आप सोच बदलिए तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि शौचालय घर में लैट्रिन जाएंगे तो हमारा जो सेफ्टी टैंक है भर जाएगा, फिर दिक्कत होगा, ये करते हैं आऊ करके। कुछ लोग जो है ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, उनको कितना भी कुछ कहिएगा वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन 95% हमारे यहाँ ऑल द बेस्ट जी। जी शंकर जी, हमारे साथ तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ बने हुए थे नदवा पंचायत के मुखिया शंकर शर्मा, जिन्होंने अपने पंचायत में किए गए कार्यों का उल्लेख हमारे साथ किया। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।